आप प्रेम करते हो, जिसे आप अपना कहते हो, जिसे आप अपना मानते हो, उसे आप क्या नहीं देते अपना? तन मन धन एवरीथिंग। कहने को तो हम सब कहते हैं मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। सब कहते हैं ना इस बात को, कहते कि नहीं, लेकिन सच्चाई है क्या इसमें बताइए? है सच्चाई? किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं। बात क्या बोल उल्टी है, मेरा तेरा तेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, तेरा कुछ नहीं सब मेरा। कई बच्चों को मैं देख रहा हूं, आप जब सब सो रहे होते हैं तब वो मंदिर की पूरी सेवा कर रहे होते हैं, इस पंडाल की सेवा कर रहे होते हैं, कार्यकर्ता बनकर। घूंघट करके किसी को पता ना चल जाए हम कौन है, वो सेवा कर रहे हैं। खा खा के तो तुम्हारा वजन गर्म ही बढ़ रहा था, मोटे हो। एक व्यक्ति कह रहा महाराज हमको दो फायदे हुए हैं यहाँ। क्या फायदे हुए? एक वजन घट गया और दूसरा क्या घट गया भाई, ऐसा कुछ बता रहे थे। जो दोनों ही चीज वो हमारे यहाँ नहीं घट पा रही थी इतने सालों से हम सोच रहे थे, वो यहाँ घट गया, दो फायदे हुए हमको यहाँ, तो कितनी अच्छी बात। सेवा करोगे तो मोहन को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मोहन अपने आप दौड़ा चला आएगा तुम्हारी तरफ अपने आप। आज मैं उनका नाम नहीं जानता, फिर भी कथा के बीच में उनको इन्वॉल्व कर दिया। किस वजह से? सेवा भाव की वजह से। उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं उनके विषय में बोलने वाला हूं। वृंदावन में आए हो तो गोपी बनो, और मैं कई गोपियों को देख रहा हूं, सब कुछ न्योछावर किए बैठे हैं लोग भगवान के ऊपर, अपना घर परिवार सब त्याग कर बैठे हैं, यही गोपी भाव है। जब यहां पहुंच जाए तो न घर की चिंता हो, न परिवार की चिंता हो, न काम धाम की चिंता हो। अरे काम के चक्कर में तो, इन चक्करों में तो धाम छूट गए हमारे। गोपी भाव होना जरूरी है। गोपी कौन है ध्यान से सुनना, गोपी कौन है? गोपी वह है जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का ही पान करे, प्रत्येक इंद्रिय से सिर्फ कृष्ण रस पान करे। नेत्रों का काम है दर्शन करना, देखना, तो किसको देखें? बोले कृष्ण को। श्रवणों का काम है सुनना, तो किसको सुने? बोले कृष्ण को। वाणी का काम है बोलना, तो क्या बोले? बोले कृष्ण को। पैरों का काम है चलना, तो कहां जाएं? बोले कृष्ण के घर, कृष्ण के धाम। हाथों का काम है कर्म करना, बोले क्या करें? बोले कृष्ण की सेवा। चित्त का काम है किसी को अपने पास बसा लेना, बिठा लेना, बोले किसको बिठा ले? बोले कृष्ण को। कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण गायन हो, कृष्ण श्रवण हो, कृष्ण चितवास हो, यही तो गोपी है, यही गोपी भाव है, यही गोपी स्वभाव है। और ऐसी गोपी की ही तलाश मोहन करते हैं, ऐसी गोपी की तलाश मोहन करते हैं। मैंने देखा है आजकल लोग गोपियों का मजाक उड़ाते हैं, जानते हो क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है गोपी बनने की, उतना बड़ा करेजा नहीं है, दिल नहीं है उनका कि वो गोपी बन सके। गोपियों जैसा त्याग कैसे करेंगे ये लोग? 24 घंटे आंखें कहीं और टिकी रहती हैं, बाणी कहीं और बोलती रहती है, कान कहीं और लगे रहते हैं, हाथों से जो स्वार्थ भरे काम है वही करते रहते हैं, पैरों से मूवी थिएटर चले जाते हैं। इन्हें गोपी कैसे समझ में आएगी मेरे प्यारे? कैसे समझेंगे ये गोपी क्या चीज है? अगर गोपी को समझना है तो तुम्हें वृंदावन आना होगा,
गोपी दधी बेचने इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनको पैसा कमाना है, धन कमाना है। वो गोपी माखन दही दूध इसलिए बेचने जाती हैं कि उन्हें पता है मार्ग में नंद को लाला मिलेगो तो बाको दर्शन है जावेगो, जा मर जा रही हैं वो वहां। किस लिए जा रही हैं बोलिए। ब्रज में गाते हैं ना बहुत पद, कैसो मांगे दान दही को, जा भी उसी से मिलने के लिए रही हैं, दर्शन भी उसी का करना है, वार्तालाप भी उसी से करना है और लड़ना भी उसी से ही है। बस इतना ही बहुत है। ये गोपी है जो सिर्फ मोहन की है, सिर्फ गोविंद की है, गोपाल की है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। रास पंचाध्याय प्रारंभ होती है। रास पंचाध्याय में बादराणी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने, ये किसने, भगवान ने, किसी मानव ने नहीं, ये मानव की बात नहीं हो रही है, यहां भगवान की बात हो रही है। ये भगवान की लीला है, ये किसी मानव की लीला नहीं है। लगा के सुरमा हरि बोल, पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारे बता।
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। बिराज जाए, सभी बिराज जाए। आनंद आयो कि ना आयो, बैठ तो जाओ। अब बताओ आनंद आयो कि नहीं आयो, दोनों हाथ ऊपर करो, बैठ के बैठ के। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, नामा नेत्र पुराए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे हो, ये ऐसा रास है जिस रास में बाबा भोलेनाथ गोपी बने। बाबा के संदर्भ में जान लीजिए, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। ये कौन से शिव हैं? ये वो शिव हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वो शिव गोपी बनकर आए वृंदावन। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है, आप सबको मालूम है। तो अब कल्पना करिए वो रास कैसा होगा, जिस रास में स्वयं कामदेव को जलाने वाले बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर गए हों। अद्भुत, विलक्षण, सुंदर, अति सुंदर। भगवान श्री श्याम सुंदर ने वंशी वादन किया, वेणु वादन किया, और जिस जिस गोपी ने उस वेणु का वो स्वर श्रवण किया, वो वेणुनाद सुना, उन उन गोपियों को उस वेणु में अपना नाम श्रवण पड़ा। उन सबको लगा कि ये वंशी के स्वर सिर्फ हमारे लिए हैं, हमें बुलाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा का दिन है, रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है। इसी पावन वृंदावन में जमुना की वो कलकल करती हुई मधुर स्वर, मधुर ध्वनि सबके मन को मोहित कर रही है। श्री श्याम सुंदर पीली पीतांबर धारण किए हुए उस बांसुरी के छिद्रों पर अपनी कोमल कोमल उंगलियों का स्पर्श करा रहे हैं, अधरों का स्पर्श करा रहे हैं। ब्रज में गोपी अगर किसी से जलती हैं तो वो ये बांसुरी है जिससे गोपियां जलती हैं। देवियों को एक ही बात से प्रॉब्लम होती है, जिसे हम चाहते हैं उसे कोई और न चाहे, और वो किसी की तरफ देखे ना, बस। जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आई है मैं उनसे कह रहा हूं। एक ही समस्या रहती है देवी को, गोपियां भी जलती हैं किससे? इस बांसुरी से।
हरे बांस की बांसुरी ते तप कीनो कौन आधर सुधा पिए को पिए हम तर से बांसुरी को हर समय अपने अधरों पर धारण करने वाले श्याम सुंदर इस बांसुरी ने जरूर कोई ऐसा तप किया होगा जो हर समय हर पल मेरे प्यारे श्याम सुंदर के अधरों से चिपकी रहती है। हमें चरणों के नख का दर्शन नहीं होता, ये अधरों से चिपकी रहती है। ये बांसुरी के कुछ गुण हैं मेरे भाई बहन, कहे तो बता दूं, हैं? बताऊं? अगर गोविंद का प्रेम पाना हो तो बांसुरी के ये तीन गुण अपना लीजिए आप। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी vsscity।